रविवार को केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा जिले में आए। यहां उन्होंने डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा में मौजूद लोगों से जेपी नड्डा ने भाजपा के कमल निशान पर वोट करने की अपील की। जिले के उसका बाजार के शुक्रोली चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई है। यह बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 5 सालों में देश बदल गया है, अच्छे दिन आ गए। उन्होंने कहा कि यह अच्छे दिन ही है कि मसूद अजहर विश्व में आतंकी घोषित हो गया। अभिनंदन पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान मार गिराने के बाद 24 घंटे में भारत वापस आ गया। आज पाकिस्तान बैक फुट पर है और विश्व में अलग थलग पड़ गया है। विश्व के विकसित देश आज भारत के साथ कदम मिलाकर चलना चाह रहे हैं। जेपी नड्डा ने लोगों से अपील की कि इन अच्छे दिनों को संभालना अब आपकी जिम्मेदारी है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी खास रिपोर्ट। ऐसा चुनाव शायद ही पहले कभी हुआ। 1952 से लेकर के कई चुनाव हुए, लेकिन इस प्रकार का चुनाव जिसके नतीजे नहीं सिर्फ भारत देख रहा है, जिसके नतीजों का इंतजार नहीं सिर्फ भारत के प्रदेश के लोगों को है, इसके नतीजों को बहुत आतुरता से सारी दुनिया देख रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अच्छे दिन आएंगे। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि देश बदल गया है, अच्छे दिन आ गए हैं। इस बात को हम गर्व के साथ कह सकते हैं, गौरव के साथ। और हम ये नारे के लिए नहीं कह रहे, आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं, दंग के साथ कह रहे हैं। आप ही बताइए, कभी सोचा था कि मसूद अजहर अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि पाकिस्तान के F-16 को गिराने के बाद हमारा अभिनंदन दूसरे दिन वापस आ जाएगा और सारा देश अभिनंदन करेगा? इसलिए देश बदल नहीं रहा है, देश बदल गया है। आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के बोले कि हम अभिनंदन को छोड़ रहे हैं, अपने से बोले छोड़ रहे हैं। आज अपने से बोले, उनके मकसद जो भी हो, उनकी इच्छा जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले भारत को कटघरे में खड़ा किया जाता था, आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। इस बात को हमको समझ में आना चाहिए। और जिस तरीके से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, हर देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने की कोशिश कर रहा है, उनके बताए रास्ते। मैं दम के साथ ये कहता हूं कि देश बदल गया है, अच्छे दिन आ गए हैं। इस अच्छे दिन को संभालना अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी है, ये हमको समझना चाहिए।